अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। आज की हमारी इन्फॉर्मेशन प्रोविडोन 25 mg टैबलेट के बारे में होगी, जो कि खसूसी तौर पर मर्द अजरात के लिए इस्तेमाल की जाती है। आज हम जानेंगे इस टैबलेट के फ़ायदे, साइड इफ़ेक्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, और जानेंगे कि कैसे इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है उन लोगों के लिए जो कि पानपन का शिकार हैं। सबसे पहले हम इसकी कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। मेस्ट्रोलोन इस टैबलेट की कंपोजिशन है और इस टैबलेट का जेनेरिक काम मेल के एंड्रोजिन पर काम करता है। डिटेल में जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मज़ीद तफसील से जानते हैं प्रोविडोन 25 mg टैबलेट के फ़ायदे और जानते हैं कि और किन किन सूरतों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोविडोन टैबलेट मर्द हज़रात में नाकस तुलीदी खासियत के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी जो मर्द हज़रात के सेल कम करते हैं जिसकी वजह से उनकी औलाद पैदा नहीं होती, तो उन मर्द हज़रात के लिए खसूसी तौर पर यह टैबलेट इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा ये टैबलेट टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाती है। टेस्टोस्टेरोन क्या होते हैं? टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो सेक्स के हार्मोन होते हैं और प्रोडक्ट टिश्यू होते हैं उनको डिवेलप करते हैं। जिनके प्रोडक्ट टिश्यू कमज़ोर होते हैं तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो हैं ये उनको डिवेलप करते हैं। फिर जब हम प्रोविडोन टैबलेट इस्तेमाल करते हैं तो ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा देती है, तो उसके लिए भी ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। और उसके अलावा ये टैबलेट मर्दों में ख्वाहिशात को बढ़ाती है, यानी जिन मर्द हज़रात में ख्वाहिशात की कमी होती है तो उन मर्द हज़रात के लिए ये टैबलेट इस्तेमाल करना इंतहाई मुफीद और बेहतरीन है। इसके अलावा ये टैबलेट जो है स्पर्म को ताकत देती है, और जिन मर्द हज़रात के स्पर्म कम होते हैं तो वो लोग भी ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे इस टैबलेट के फ़ायदे, और आप जानते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स, यानी इस टैबलेट के इस्तेमाल से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स पैदा हो सकते हैं। बदन पर बाल निकल सकते हैं, चेहरे पर दाने नमूदार हो सकते हैं, भूख की कमी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, और इसके अलावा मतली और उल्टी भी हो सकती है। तो ये थे इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स, जो कि 100 में से किसी एक को ही हो सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स होता है तो इस टैबलेट का इस्तेमाल बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मशवरा करें। और आप जानते हैं कि कैसे इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है। मेल इनफर्टिलिटी में दिन में 3 दफ़ा इस टैबलेट का इस्तेमाल करें, यानी एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट दोपहर और एक टैबलेट शाम को, लेकिन खाना खाने के बाद, या फिर जैसे आपको डॉक्टर आपका रिकमेंड करे वैसे इस्तेमाल करें। ये टैबलेट 1 माह से 6 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन लेवल के लिए 1 माह से 2 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे इस टैबलेट के इस्तेमालात, और अब जानते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी वो लोग जो इस टैबलेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रोस्टेट के कैंसर वाले लोग इस्तेमाल ना करें, जिन लोगों को रसौली हो इस्तेमाल ना करें, और इसके अलावा जो लोग इस टैबलेट की कंपोजिशन से एलर्जी रखते हों इस्तेमाल ना करें। तो ये थे इस टैबलेट की कॉन्ट्रा इंडिकेशन, और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का एंड होता है। इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।